Hello students, today we are going to take an overview of the questions related to the story, related to the poem, The Land of the Bumblebee. तो ये स्टोरी नहीं है, ये पोएम है, ठीक है. तो इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका आज हम लोग ओवरव्यू लेंगे. तो ये पोएम मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, समझाया था, तो आई होप इसका वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को मिल चुका है. तो आई होप फेयर में आप लोग कर लिए होंगे वर्ड मीनिंग्स को और याद भी कर चुके होंगे. तो इसका पोएम का डिस्कशन तो पिछले लेक्चर में मैंने कर लिया था, तो आज इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, आपको कैसे बनाना है. तो आप ट्राई करोगे क्वेश्चंस को, बाद में तो इसका आंसर आपको मिलेगा ही, लेकिन पहले आप कोशिश करो क्वेश्चंस बनाने का, ताकि आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दैट मीन्स आपको पोएम और अच्छी तरह से याद रहेगा दिमाग में. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस राउंड. ये तब ये सब वार्मअप सेक्शन तो मैंने कर लिया था, रीडिंग सेक्शन भी पिछले लेक्चर में हो चुका था. ओके, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है आपका, मैच द कॉलम्स वन हैज बीन डन फॉर यू. देखिए क्या कह रहा है, इन कॉलम्स को मिलाइए और एक आपके लिए किया जा चुका है. जैसे ये देखो वन वाला आपको यहाँ तक मिलाया जा चुका है. तो क्या था वन में वो देखता है, इन द लैंड ऑफ द बंबलीबू द पीपुल आर रेड व्हाइट एंड ब्लू. तो बंबलीबू को जो जगह है वहां के लोग कैसे रहते हैं, रेड व्हाइट एंड ब्लू दिखते हैं. ओके, अब देखो सेकंड है, यू कैन बाई लेमन पाई. तो आप लेमन पाई खरीद सकते हो कहां से, एट द जू. तो इसका सेकंड का यहाँ रख दोगे, दे गिव अवे फॉक्सेस इन लिटिल पिंक बॉक्सेस. तो थ्री यहाँ लिख दोगे. ओके, द कैट्स बियर, तो कैट्स क्या पहनता है, ट्राउजर एंड हैट. तो ये फोर यहाँ लिख दोगे. द ट्रेन लीव्स एट, और फाइव लास्टली आओगे तो आपको पता ही है, लास्ट यहाँ लिखोगे वन, क्योंकि हम लोगों ने पोएम देखा था कि एक ही ट्रेन वहां तक जाती है. ओके, बंबलीबू द लैंड ऑफ बंबलीबू के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है. आप चलते हैं बी सेक्शन में, क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका फाइव क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर दिस. आप लोग इसका आंसर करोगे, इसका आंसर तो मैं बाद में लेकर आऊंगा ही, पहले आप कोशिश करो कि आपने पोएम में जो पढ़ा उसका आंसर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. इससे आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा, इंग्लिश समझने का तरीका आप में मतलब डेवलप होगा. जैसे मैं पढ़ता हूँ इसका हिंदी समझा देता हूँ, आप लोगों को आसानी होगी. जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट सेंसिबल थिंग्स डू द पीपल ऑफ बंबलीबू. तो वहां के लोग ऐसा क्या समझदारी वाला काम करते हैं, व्हाट सेंसिबल थिंग्स डू द पीपल ऑफ बंबलीबू डू. तो वहां के लोग ऐसा क्या समझदारी वाला काम करते हैं, तो कुछ समझदारी वाला काम नहीं करते हैं. वो लोग कभी अपना नाक नहीं साफ करते हैं, वो कभी अपना कपड़ा नहीं पहनते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हो द पीपल ऑफ बंबलीबू डजंट ब्लो दियर नोज एंड एवर नॉट वियर क्लोथ. ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या लिख सकते हो आप, द पीपुल ऑफ बंबलीबू डू नॉट ब्लो दियर नोज एंड एवर बियर क्लॉथ. तो आपका पोएम में भी आंसर आप सर्च करके लिख सकते हो, मतलब वहां के लोग कभी भी अपना नाक नहीं साफ करते हैं और कभी भी कपड़ा नहीं पहनते हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट था. सेकंड समझा देता हूँ मैं, व्हाट डू दे गिव अवे. तो वे लोग क्या ऐसा चीज है जो फ्री में दे देते हैं, वे लोग ऐसा क्या चीज जो है फ्री में दे देते हैं. तो हम लोग पढ़ा था फॉक्स के बारे में, वो आप लिख सकते हो यहाँ से, पोएम से सर्च करके लिखोगे. यहाँ देखो, विच एनिमल डू यू नेवर सी इन द लैंड ऑफ बंबलीबू. तो आप बंबलीबू के जगह पे जो आपका वो स्थान है बंबलीबू, वहां ऐसा कौन सा जानवर को नहीं देखते हो. तो वो होगा गनू. गनू आपको बंबलीबू में दिखाई नहीं देगा. मैंने देखा था ना, आप लोगों ने पिक्चर में और आपका ये पोएम है उसमें पढ़ाया था, समझाया था कि गनू GNU गनू जो एक बैल जैसा दिखता है वो आप बंबलीबू में नहीं देख सकते हो, ना ही वहां होता है. तो विच एनिमल डू यू नेवर सी, तो लिखोगे इन द लैंड ऑफ बंबलीबू हम लोग वहां नहीं देख सकते हैं, वी कांट सी गनू. ओके, तो हम लोग वहां गनू नहीं देख सकते हैं. ओके, इसका आंसर आपको प्रॉपर वे में आंसर मिल जाएगा, आप लिखोगे. इसका देखो, व्हाट आर द ट्राउजर्स एंड हैट्स मेड ऑफ. तो वहां जो कैट्स थी, बिल्लियां थी, वो क्या चीज का मतलब पैजामा और हैट्स पहनती थी, तो पंपकिन का बना हुआ था, पंपकिन का बना होता है ट्राउजर और हैट वो पहनती है. तो यहाँ लिखोगे, और यहाँ देखो, हाउ कैन वन गो टू द लैंड ऑफ बंबलीबू. तो आप कोई भी व्यक्ति लैंड ऑफ बंबलीबू कैसे पहुंच सकता है, कैसे पहुंचता है वहां. तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर. ये डिस्कसिंग राउंड है, डिस्कसिंग राउंड. तो आप देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू गो द लैंड ऑफ बंबलीबू.
कि आप बमरीबू के लैंड पे जाना पसंद करते हो भाई और भाई नॉट करते हो तो क्यों और क्यों नहीं। ओके तो इसका आंसर आप खुद से लिखोगे, बाकी आंसरिंग राउंड में तो आपको मैं दे दूंगा। पहले आप डिस्कस करो कि जाना पसंद करते हो ऐसी जगह पर या नहीं पसंद करते हो। नीचे है इंजॉइंग द पोएम, इंजॉइंग द पोएम में क्या करना है, हाँ ये देखो लुक एट द पिक्चर्स राइट ए वर्ड्स राइम्स विद व्हाट हैज बीन डन फॉर यू, मतलब आपको राइमिंग क्रिएट करना है, लय बनाना है। जैसे यहाँ देखो बीन, बीन का यहाँ क्या बना हुआ है पिक्चर, पिन बना हुआ है, तो डैश देखे यहाँ क्या लिखोगे, पी आई एन पिन लिखोगे। यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका फ्री ट्री, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फ्लाई और उसी के साथ आप क्रिएट करोगे खुद से। तो ये मैंने दो बताया, बीन पिन और फ्री ट्री, बाकी खुद से बनाओगे क्योंकि खुद से बनाओगे तभी तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। जैसे यहाँ हाउस है तो हाउस के साथ क्या आएगा, माउस, हाउस माउस, ठीक है, तो आप खुद से बनाओगे। अब चलते हैं हम लोग, पोएम है नीचे राइटिंग सेक्शन में, क्रिएट द पोएम यूजिंग राइमिंग। देखो इसमें आपको पोएम क्रिएट करना है पेट, पेट से रिलेटेड, ठीक है, आपके घर में अगर कोई पेट है जैसे आपका कुत्ता है तो कुत्ते से रिलेटेड उसका एक नाम सोचो, ऐसा नाम सोचो कि इस पे ये सेट हो जाए, दैट मीन्स राइमिंग बन जाए, ठीक है। जैसे आई हैव ए लिटिल पप, पीयू पी पप गप, है ना, राइमिंग क्रिएट हुआ ना, आई हैव ए लिटिल पप हिज नेम इज गप्पी गप, राइमिंग क्रिएट हुआ, यहाँ पीयू पी पप लिखोगे। हिज कोट इज व्हाइट एंड स्नो, हिज आईज शाइन एंड, हिज आईज शाइन एंड, यहाँ आप खुद से क्रिएट करोगे। तो स्नो है इससे रिलेटेड कुछ ऐसा पढ़ लाओ कि इससे राइमिंग क्रिएट हो जाए, तो आप खुद से करोगे तब ज्यादा बेटर रहेगा। ओके यहाँ मैंने एक बता दिया, पप लिखोगे, बाकी खुद से करो, स्नो के साथ क्या आना चाहिए ताकि राइमिंग क्रिएट हो जाए। अब यहाँ देखो हिज टेल इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड ओ माई माई इट्स वेरी वेरी, आप खुद से आप लिखोगे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड कौन सा आएगा वर्ड, ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करोगे, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर दूंगा ही। और यहाँ देखो माई बर्ड बैंक है, बर्ड बैंक में करना क्या है ना, जो आप नया वर्ड सीखे हो इस पोएम में, इस चैप्टर में जो आप नया वर्ड सीख रहे हो कि आप पहले कभी ऐसा वर्ड नहीं देखे थे, तो इसको यहाँ लिखोगे, ठीक ना, लिखकर याद कर लोगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।